नमस्ते, मैं डॉक्टर अंकित शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल खराड़ी। आज आपके साथ एक कॉम्प्लेक्स केस डिस्कस करना चाहता हूं जो हमने हाल ही में किया था। सो दिस 43 ईयर ओल्ड जेंटलमैन, ये हमारे पास आए थे विद हिस्ट्री ऑफ सम लीजन जो इनके अल्ट्रासाउंड में इनको डायग्नोस हुई थी। हालांकि 2 साल पहले भी ये सेम लीजन इनकी डायग्नोस हुई थी, बट उस समय इसको जो है रीनल सिस्ट करार कोशिश करके इसको जो है इग्नोर किया गया था। जब वो हमारे पास यहाँ मास्टर हेल्थ चेकअप पर आए, तब हमारे रेडियोलॉजिस्ट ने एक सस्पिशन उठाया कि ये जो है लीजन सिस्ट नहीं लग रहा, उन्हें डाउट हुआ कि ये शायद कुछ और हो, तो उन्होंने हमें एक रेफरेंस दी। और जब पेशेंट हमारे पास आए तो हमने भी उनके साथ ये डिस्कशन की कि हो सकता है कि ये कोई लीजन हो ऐसी जिसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत पड़े। हमने एक सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन में ये क्लियर हो गया कि ये जो है लीजन जो थी ये सिस्ट नहीं था, हालांकि ये ट्यूमर था जो किडनी के लेफ्ट किडनी के ऊपरी हिस्से में था। प्रॉब्लम ये थी कि ये ट्यूमर इतना बड़ा नहीं था कि हम जो है किडनी सेक्रीफाइस करें ट्यूमर निकालने के लिए। हालांकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स था क्योंकि ये किडनी के पूरे पैरेन्काइमा के अंदर दबा हुआ था, तो इसीलिए हमने उनसे डिस्कशन किया कि जो है हम कोशिश करेंगे कि हमें लैप्रोस्कोपिकली ही इसको निकालें विदाउट एनी ओपन कंपोनेंट। सो हमने जो है इसे हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी जिसे हम कहते हैं, हमने ये उनके केस में हमने लैप्रोस्कोपिकली पार्शियल नेफ्रेक्टमी करी, जिसमें कि ऐसे आप जैसा आप देख सकते हैं कि हमने ट्यूमर के साथ बिल्कुल ही कम किडनी का हिस्सा निकाला है। बायोप्सी रिपोर्ट पर जो है किडनी का हिस्सा जितना भी निकाला गया था वो सारा ट्यूमर से फ्री था, एंड ही इज़ नाउ सक्सेसफुली क्योर्ड ऑफ द कैंसर एंड इज़ ऑन अ वेरी गुड फॉलोअप। थैंक यू।